Hi guys, welcome back to my channel, Dr. Flex channel with Young Bites. Last time we had done biceps workouts और आज हम करेंगे triceps. Look, triceps के तीन पार्ट रहते हैं, the short head, the median head and the long head. और अगर हम triceps के तीनों जो heads हैं उनकी से workout properly अगर हम करें तो आपके triceps का volume इंक्रीज होगा. देखिए ट्राइसेप जो होता है ना, दैट मेक्स मोर देन 70% ऑफ योर टोटल वॉल्यूम ऑफ आर्म. और अगर आपको अपना साइज आर्म का बड़ा करना है तो ज़्यादातर लोग बाइसेप्स के ऊपर हिटिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, बिकॉज दे प्रिज्यूम दैट मेकिंग मोर एंड मोर सेट्स फॉर द बाइसेप्स इज गोइंग टू मेक देयर आर्म बिग. नो, बाइसेप्स इज मेड ऑफ टू हेड्स, बाइकस्पिड्स, जैसे वर्ड ही शो कर रहा है. सो दैट इज अ स्मॉल पार्ट. और ट्राइसेप्स हैज थ्री हेड्स, ट्राइसेप्स थ्री सेप्स. तो आज हम ट्राइसेप्स के वर्कआउट करेंगे ना. आई बी मिक्सिंग कंपाउंड एज वेल एज आइसोलेटेड मूवमेंट्स, ताकि आपका ओवरऑल जो वॉल्यूम है ट्राइसेप्स का वो इंक्रीज हो सके. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट गाइस. सो गाइस, ये पहला वर्कआउट है आज के रेजिम का. इसको हम पुश डाउन ट्राइसेप प्रेसेस भी कहते हैं, पुश डाउन्स भी कहते हैं. और ये एक्सरसाइज जो है इसके लिए हमें एक केबल क्रॉस का मशीन का सेटअप चाहिए होता है. पीपल थोड़ा आगे जाओ, बॉडी स्ट्रेट रखो, ठीक है, एंड कम ऑन. इस वर्कआउट के बीच में भी कोशिश रखनी होती है, जैसे मैं हर वर्कआउट में बोलता हूँ कि आपने जिस पर्टिकुलर मसल को आपने हिट करना है, ट्राई करो कि सिर्फ आइसोलेशन में आप उन मसल्स के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो. अब जैसे इस वर्कआउट के बीच में अगर हम अपनी आर्म्स की एल्बोज़ की पोजीशंस को आगे पीछे करेंगे तो हमारा सेकेंडरी लोड हमारे डेल्टॉइड्स पे आना शुरू हो जाता है. और अगर हम इसको आर्म्स को पीछे पुल करके हम डेल्टॉइड से लेके एल्बो का रीजन को बिल्कुल एक जगह स्टिल कर लें एंड पुश डाउन, कम ऑन, शाबाश पीपल, इसको हम पुश डाउन करें तो सिर्फ ट्राइसेप है. आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको हम हॉर्स शू टाइप ट्राइसेप भी कहते हैं. अगर आप देखें इसका, दिस इज़ एक्चुअली द शॉर्ट हेड. ये वाला पार्ट सेंटर वाला मीडियन आता है और ये लॉन्ग हेड है ट्राइसेप का. आप देख सकते हो यहाँ पे आके ये टेनिस एल्बो के साथ जाके कनेक्शन शो करता है. सो एनीवेज गाइस, इस वर्कआउट के बीच में, ये बेसिक वर्कआउट है हर ट्राइसेप का वर्कआउट के बीच में, द पुश डाउन ट्राइसेप मेक्स द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ योर ट्राइसेप वर्कआउट्स. इन वर्कआउट्स के बीच में आइडली यू शुड गो फॉर 3 to 4 सेट्स. एंड अगेन लाइक एवरी वर्कआउट, आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट इट, नीचे लाके हल्का सा पॉज दो, फाइबर्स को टाइट करो और धीरे धीरे इसको रिलैक्स करो. कम ऑन, पुश इट डाउन, टाइट रखो, देन लीव इट, कम बैक. In this video, Vipul, as in last video, again, he is helping me making this video. He is a power lifter and he is a teacher also. So, thank you, Vipul. So, guys, this is our second workout aaj ke regime ka, and isko hum overhead tricep extension bhi kehte hain with the help of cable. देखिए कोई भी वर्कआउट हम कर लें, चाहे हम बाइसेप्स कर रहे हैं, चाहे ट्राइसेप्स कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा पूरा का पूरा मसल इन्वॉल्व होता है. बट ये हम अलग अलग वर्कआउट इसलिए देते हैं ताकि कुछ हम मसल के फाइबर्स को आइसोलेशन में पकड़ सकें. विपुल, आर्म्स को क्लोज करो. अब विपुल जितनी अपनी आर्म्स को क्लोज करेगा तो आप देख सकते हो ये वाली जो है शॉर्ट हेड आपको प्रीडोमिनेंट दिखेगा. कम ऑन, ब्रिंग इट अप, ब्रिंग इट डाउन. सेकेंड इज, कई बार आप एथलीट्स के देखते होंगे ट्राइसेप्स के ऊपर यहाँ पे स्टाइरेशंस डेवलप होती हैं. ब्रिंग इट अप, पीछे लेके आओ, कम ऑन, ब्रिंग इट डाउन. इस वर्कआउट पर्टिकुलर में, कम ऑन, ब्रिंग इट अप पीपल, यहाँ पे रोको आके. यहाँ पे अगर आप रोको तो आपको फील यहाँ पे पूरा का पूरा ट्राइसेप आपको अपना स्ट्रेच्ड फील होगा. और ये दिस इज द वर्कआउट इन पर्टिकुलर जहाँ पे आपके ये हल्के हल्के जो थ्रेड्स ट्राइसेप पे दिखते हैं ये आने शुरू होते हैं. सो अगेन, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ब्रिंग दैट फाइब्रस लुक टू योर ट्राइसेप्स, तो ओवर हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. लॉट मेनी पीपल आस्क मी अबाउट इट. कम ऑन, अगेन इसके बीच में कोशिश करनी है कि हमारी पूरी बॉडी स्टेबल है. कोशिश करो एल्बोस को अपने कानों के जितना पास रख सको. एंड कम ऑन, कम ऑन विपुल, नीचे लाके अगेन, येट अगेन. देखो एक जगह विपुल गलती कर रहा है, इसने थंब लॉक नहीं दिया हुआ. गाइस, ये बहुत डेंजरस वर्कआउट भी है, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बिकॉज अगर आपको पसीना आया हुआ है तो ये आपकी मशीन, ये जो है आपका बार है, ये हाथों से स्लिप कर जाता है. सो ऑलवेज मेक अ थंब लॉक वाइल डूइंग दीज वर्कआउट्स. कम ऑन, ब्रिंग इट अप. एंड अगेन 3 to 4 सेट्स रखने हैं आपने. कोशिश कीजिए 10 to 12 रिपीटेशंस करने की. और लास्ट वाला सेट है उसको ड्रॉप करके आप फेलियर तक भी लेके जा सकते हो. थैंक यू. सो गाइस, दिस इज़ आवर थर्ड वर्कआउट ऑफ टुडेज रेजिम एंड दिस इज सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन.
तो इसको हम ज़्यादातर इस तरह के हैंडल्स के साथ करते हैं। देखिए कंपाउंड मूवमेंट्स है दोज मूवमेंट जिसके बीच में आपके मोर देन वन पार्ट इन्वॉल्व होता है, एंड आइसोलेशन के बीच में सिंगल पार्ट इज गेटिंग इन्वॉल्व फॉर श्योर। अब इस वर्कआउट के बीच में आपको विपुल की मसल की मूवमेंट से पता लग जाएगा कि हम किस पार्ट को हिट कर रहे हैं। पहला वाला वर्कआउट था हमारा पुश डाउन ट्राइसेप जो आपके तीनों हेड्स को पकड़ रहा था। इन पर्टिकुलर ज़्यादातर अगर आपको अपने ट्राइसेप्स के वर्कआउट शुरू करने हैं तो आप पुश डाउन से ही कोशिश कीजिए शुरू करने की, तो आपका प्रॉपरली ट्राइसेप वार्म अप भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा ओवरहेड केबल एक्सटेंशन था जिसके बीच में प्रीडोमिनेटली हमारा लॉन्ग हेड इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा था, एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट हाउ टू गेट दोज फाइबर्स आउट ऑफ योर ट्राइसेप्स। ये वाला वर्कआउट जो है ये आपके शॉर्ट हेड को करेगा। कई बार आप जब स्टेज पर देखते हो एथलीट्स को कहा जाता है शो योर ट्राइसेप, दे टेंड टू एक्सटेंड द ट्राइसेप, और ये वाला पार्ट जो होता है जिसको हम हॉर्स शो भी कहते हैं, दिस पार्ट बिकम्स मोर एसेंचुएटेड बाय डूइंग दीज सॉर्ट ऑफ वर्कआउट्स। इसके बीच में भी अगेन आपकी कोशिश रहनी चाहिए नीचे आके कम ऑन बॉडी स्ट्रेट रखो विपुल, बॉडी स्ट्रेट, एंड कोशिश करो नीचे आके जितना आप एक्सटेंड करो। अब गाइस ट्राई करना, जब आप एक्सटेंड करके थोड़ी देर रोकोगे तो आपको यहाँ पे बर्निंग जनरेट होनी शुरू होगी। सो दैट इज़ अ टाइम व्हेन एक्चुअली यू आर हिटिंग दोज छोटे छोटे फाइबर्स जो होते हैं ना हमारे मसल्स के। सो कम ऑन, ब्रिंग इट अप, ब्रिंग इट डाउन से वन टू वन, एंड ब्रिंग इट अप। एंड गाइस इसके बीच में वन मोर चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्रिप है, ग्रिप शुड बी डेफिनेटली इट हैज़ टू बी इन सुपिनेटेड पोजीशंस, एंड आपने रोटेट नहीं करना है इसको, स्ट्रेट नीचे लेके आना है। सो थैंक यू। सो गाइस अगर आज आपने ध्यान दिया हो तो मैंने सारे के सारे ट्राइसेप्स के वर्कआउट जो थे वो मशीन पे कर दिए थे। सो गाइस देयर आर सो मेनी वर्कआउट्स आउट देयर, तो नेक्स्ट वर्कआउट जब मैं ट्राइसेप को कराऊंगा तो मैं आपको डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट वेरिएशंस करवाऊंगा। मेरा मकसद ये है कि मैं जो जो लोग मेरा इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं आज, दिस इज़ माई ट्राई टू मेक यू कम्प्लीट पर्सन, कम्प्लीट पर्सन एज फार एज योर बॉडी इज कंसर्न। इरिस्पेक्टिव आपके गोल्स क्या है, यू वॉन्ट टू बी अ बॉडी बिल्डर, यू वॉन्ट टू बी अ फिटनेस एथलीट, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग करवाऊँ मसल्स की एज डॉक्टर फ्लेक्स। सो इन कमिंग वीडियो डेफिनेटली आई विल बी कमिंग विद सम डिफरेंट वर्कआउट्स, मे बी चेस्ट और शोल्डर विल बी कमिंग विद दैट वर्कआउट इन आर कमिंग वीक। सो स्टे ट्यून्ड टू आर चैनल यंग बाइट्स, एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप डॉक्टर फ्लेक्स, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है उस पर भी मेरे साथ इन टच हो सकते हो, या फिर आप यंग बाइट्स के चैनल के थ्रू मेरे साथ इन टच में आ सकते हो। So thank you guys, have a nice weekend.